किस तरह से लाशें पड़ी हुई थी, किस तरह से चील कौवे उन पर लगे हुए थे, उस बात को हम जब नजदीक से महसूस करें, जिन लोगों ने उसको नजदीक से देखा होगा, जिनके साथ वो घटना घटित हुई होगी, जिनके परिवार के लोगों के साथ घटित हुई होगी, आखिर वो कैसा मंजर था, कितना भयावह था, इसी दर्द को याद करते हुए वर्ष 2021 को आजादी के सालगिरह जो 15 अगस्त का हमारा कार्यक्रम होता, उससे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह ऐलान किया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे उनको याद नहीं किया गया जिनके साथ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, जिनके साथ एक विभीषिका हुई, जिनके साथ क्रूर से क्रूर वो कालखंड का, उस कालखंड में क्रूरतम जो घटनाएं हुई। आज का दिन उन सभी सेनानियों में विभाजन के दौरान अपने परिवारजनों से बिछड़े लोगों के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका का कड़वा जहर पिया था। भाइयों बहनों, इस दर्द की टीस आज भी जो इसे झेलने वाले लोग हैं, जब उसको महसूस करते होंगे, जब भी उनको उनके सामने वो घटना याद आती होगी तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कितने दुखद वो हालात थे, कितना भय का माहौल था, ये सोचकर आज भी रूह कांपने लगती है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया था और ऐसी करोड़ों लाखों ऐसी आत्माएं जिनका संस्कार भी नहीं हुआ, जिनका श्राद्ध भी नहीं हुआ, उन सबका हम लोगों ने गत वर्ष भी एक शांति पाठ किया, इस वर्ष भी हमने उनका शांति पाठ किया। भाइयों बहनों, ये केवल विभाजन एक भूभाग का नहीं हुआ, बल्कि पीढ़े पीढ़ियों से रह रहे लोगों के बीच में लकीर खींच दी गई जो नफरत और सांप्रदायिकता से भरी हुई थी। लाहौर हो, सियालकोट हो, कलकत्ता हो, अमृतसर हो या दिल्ली हो, पूरा भारत छिन्न भिन्न हो गया। सालों से साथ रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, हर जगह केवल क्रूरता ही नजर आई, हर जगह जो लोग जो मानवीय मूल्य होते हैं वो मूल्य भी मूल्यविहीन हो गए। भारत विस्थापन का इससे भयानक और विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा गया। मैं आज इस मंच से उस दैन्यस्य और दुर्भावनाओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, उनके प्रति मैं सहानुभूति प्रकट करता हूँ, उन सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जिन्होंने इस विभीषिका का दंश झेला है। उसके कारण से उनको अपना घर परिवार, अपने जीवन भर की कमाई किसी ने पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ दी, किसी ने पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ दी, किसी ने लाहौर में छोड़ दी, किसी ने रावलपिंडी में छोड़ दी, किसी ने इस्लामाबाद में छोड़ दी, अनेकों स्थानों पर सियालकोट में कोई छोड़कर आ गया। उस हिंसक उन्माद के बीच भी आज जिन लोगों को हमने सम्मानित यहाँ पर जिनका हमने सम्मान किया है, वो इस परिसर में बैठे हमारे वरिष्ठों और अनेक साथियों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता और मातृभूमि के प्रति अपने समर्पण को जीवंत रखा। इस बंटवारे ने जो जटिलताएं, जो विषमताएं आजाद भारत के सामने लाकर खड़ी की, देश आज भी उनको झेल रहा है। अनेक इतिहासकारों और राजनेताओं ने विभिन्न मंचों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत का विभाजन राजनीतिक निर्बलता का स्पष्ट उदाहरण है। उस समय अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो आज बंगाल ना होता, आज जिसको हम पश्चिमी बंगाल कहते हैं, बंगाल कहते हैं, वो बंगाल ना होता बल्कि वह भी पाकिस्तान हो गया होता। हम सब लोगों ने अभी यहाँ पर हमारे गृहमंत्री जी का हम संसद के अंदर दिया हुआ भाषण इस डॉक्यूमेंट्री में देख रहे थे। हम सभी का यह दायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि इससे पहले न तो किसी इतिहास में इसको पढ़ाया गया, न किसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनने करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ न्याय करते हुए विभाजन की विभीषिका को लोगों के सामने लाने के लिए इस दिवस को उन्होंने पूरे देश के अंदर
लोगों के बीच में ले जाने का काम किया है। हम सभी का दायित्व है कि हमारी युवा पीढ़ी इस तथ्य को जाने और आज़ादी हमें किन हालातों में, किन कठिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली है, वो कौन लोग थे जिनके कारण इतना रक्तपात हुआ, करोड़ों लोगों ने यातनाएं सही। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न उनका भी नहीं है जो यहाँ मंच से बोल रहे थे। अभी हमारे बीच में शांतनु ठाकुर जी ने बात करी, उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी। उन्होंने आज बंगाल के बारे में भी चर्चा करी कि बंगाल में किस प्रकार से आज लोकतंत्र की पूरे सरेआम हत्या हो रही है, किस प्रकार से वहां पर नरसंहार हो रहा है, वो सारे विषय उन्होंने रखे। अजय भट्ट जी ने देश के बारे में पूरी बात रखी कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में कितनी तेजी से आगे जा रहा है। आज ये हम लोगों के लिए एक प्रश्न है, ये प्रश्न हम हर एक व्यक्ति का है जो आज यहाँ पर आया है या जिस तक ये हमारी बात जा रही है। और इस प्रश्न का उत्तर यहां से नहीं मिलने वाला है, इस प्रश्न का उत्तर हमारे अपने अंदर से ही खोजना है। और हम सब लोग मिलकर इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका उत्तर मिलेगा। ये कौन लोग थे जिनके त्याग के कारण आज तिरंगा पूरे गौरवपूर्ण के साथ लहरा रहा है, आज भी तिरंगा हमारी आम मान और शान बना हुआ है, हर घर तिरंगा जा रहा है, आखिर इसके पीछे भी कौन लोग थे? भाइयों बहनों, हम देश की आजादी के अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस अमृत काल में हमारा कर्तव्य कि हम देश को स्वतंत्र कराने वाले, देश के विभाजन की यातनाएं झेलने वाले प्रत्येक उस आत्मा के प्रति, उस महान व्यक्तित्व के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिसने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, जिसने देश की आजादी में अपना सर्वस्व लगाया है। मेरा मानना है कि भारत विभाजन एक पाप था, इसके लिए जिम्मेदार जो भी लोग थे, जो भी राजनीतिक दल के लोग थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो थे ही नहीं, भारतीय जनसंघ भी नहीं था, क्योंकि 1950 में भारतीय जनसंघ बना। उस समय जो राजनीतिक दल थे, जो एक प्लेटफॉर्म था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, जिसके एक झंडे के नीचे आकर देश की आजादी की लड़ाई जिनके नेतृत्व में लड़ने का काम देश की जनता ने जिनको सौंपा था, जिनको आजाद भारत की लड़ाई लड़ने का काम सौंपा था, आखिर उन लोगों ने कौन सा काम किया? ऐसी पार्टी को, ऐसे विचार को, ऐसे नेताओं को मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत की भावी पीढ़ी जब भली प्रकार से जान जाएगी, हमारा बंगाल का समाज, हमारा पंजाब का समाज, हमारा सर्व समाज जब भी अच्छी तरह से उसके स्मरण में आ जाएगा कि इन लोगों के कारण से इस विभीषिका का दंश झेलने को इतने लोग, इतने करोड़ों करोड़ों लोग मजबूर हुए थे, इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसी राजनीतिक पार्टी को भी कभी माफ नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, देश के आजाद होने के बाद विभीषिका झेल चुके लोगों ने विभाजन के दर्द को भुलाकर अपने आप को बसाने का काम किया, चाहे आज हमारे बंगाल समाज के लोग, बड़ी संख्या में हमारे उत्तराखंड के अंदर, चाहे आज हमारा, मैं खटीमा से देखता हूँ, खटीमा है, सितारगंज है, शक्ति फार्म है, रुद्रपुर है, किच्छा है, हमारा दिनेशपुर है, गदरपुर है, गोलर भोज है, अनेकों स्थानों पर बड़ी संख्या में इन्होंने अपने दर्द को पीछे छोड़कर नए जीवन की शुरुआत की और विकास में अपना योगदान दिया। इसी प्रकार से हमारा पंजाब का समुदाय, उस समाज ने भी इस तराई को आगे बसाने में, आगे बढ़ाने में, रचाने में, बसाने में, यहाँ पर किस प्रकार का कैसे बड़े बड़े जंगल होते थे, किस प्रकार के यहाँ पर जानवर होते थे, मच्छरों का प्रकोप होता था, उसके बावजूद भी इस तराई को बसाने का काम उन्होंने किया है। इसका स्पष्ट प्रमाण है हमारे प्रदेश का ये तराई क्षेत्र जिसको आज हम हरा भरा देखते हैं, जो किसान बाहुल्य आज ये हमारा क्षेत्र है, आज औद्योगिक नगरी यहाँ पर बन चुकी है। विभाजन की विभीषिका का पीड़ा जिन लोगों ने सही है, उन्होंने ही इस क्षेत्र की विकास की नींव रखी है, चाहे वो आज पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करके आए हुए लोग हों, चाहे हमारे सभी बंगाली बंधु, पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करके आए हुए हमारे पंजाबी बंधु, आप सभी ने ये दिखाया है कि मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इंसान कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर एक संकल्प हो,
कि स्थिति परिस्थिति चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, चुनौती कितनी बड़ी क्यों ना हो, उस चुनौती से पार करने का नया एक जीवन खोजने का काम आप सब लोगों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प ही संकल्प लिया है। इसके लिए सरलीकरण है, समाधान है, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें यहाँ पर मंच से हमारे मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बोली है। मैं सबसे पहले तो ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर इतना बड़ा हमारा बंगाली समाज रहता है और उनके लिए एक यहाँ पर विशिष्ट बंग भवन, एक सामुदायिक भवन यहाँ पर होना चाहिए, उसका मैं घोषणा करता हूँ कि उसका निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति देश के अंदर 2020 में लाई गई है, उस नई शिक्षा नीति में हर भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था होगी, उनकी पाठ्य पुस्तकें, उस पाठ्यक्रम होगा अनिवार्य रूप से उसको किया जाएगा। और जैसा यहाँ से कहा कि जहाँ जहाँ भी हमारे इस समाज के लोग रहते हैं उसका आकलन करने के बाद हम उस दिशा में भी काम करेंगे। और जो एक बात और अभी उत्तम जी भी बोल रहे थे, हमारे शांतनु भाई भी बोल रहे थे, इसका पहले भी हमारे यहाँ से विधानसभा ने दो दो बार भारत की सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है, किन कारणों से वो प्रस्ताव वापस आ रहा है। उस समय एक कमेटी हमारे उस सितारगंज के जो पहले विधायक होते थे किरण मंडल जी, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी, उस कमेटी ने तमाम पहलुओं पर जो लोगों के बीच में जाके साक्ष्य जुटाए थे, आकलन किया था, वो आकलन भारत सरकार को भेजा जाएगा। उसमें देखते हैं किस प्रकार की कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हर संभव हमारा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सबकी सुविधा के लिए आने वाले समय में आप सबके कर्णधार बच्चे, उनके उत्थान के लिए हमने यहाँ पर भारत की सरकार से हमने अनुरोध किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि उधम सिंह नगर में जल्दी ही किच्छा में एक एम्स यहाँ पर खोला जाएगा और उसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हमको भूमि भी मिल गई है, 100 एकड़ जमीन भी राज्य की सरकार ने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया है, हमने मंत्रिमंडल से उसका निर्णय कर दिया है। साथ में जो भारत सरकार से उसका पैसा आना था वो पैसा भी आ गया है, जल्द ही उस पर जो है उसका भूमि पूजन होगा और इसी वर्ष हम यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। और जिसके लिए हमारे यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, अब बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो सुविधा हमको दिल्ली में मिलती है वो सुविधा हमारे उधम सिंह नगर में ही हमको मिला करेगी। जितने भी हमारे यहाँ पर जो हमारा खुरपिया फॉर्म है, खुरपिया फॉर्म में अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर बनाए जाने के लिए हमने 1000 एकड़ जमीन की भूमि स्थानांतरित कर दी है, सिपुल को भूमि स्थानांतरित हो गई है, उसका जो भारत सरकार से पैसा आना है वो पैसा भी स्थानांतरित हो गया है। एक नया शहर भी यहाँ पर बनाया जाएगा, उसका भी हमने महुआ में भारत सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम में यहाँ का प्रस्ताव भेज दिया है, जल्द ही भारत सरकार से वह भी प्रस्ताव हमारा स्वीकृत हो जाएगा, तो कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पर हमको जो है रोजगार सृजित होगा। हम इस वर्ष एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे जितने भी उद्योग समूह से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं और उसमें सबसे अधिक इन्वेस्टर कहीं पर कहीं के लिए आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा लैंड बैंक अगर कहीं पर है तो वो हमारे उधम सिंह नगर में है, हमारे इस रुद्रपुर के आसपास है, हमारे सितारगंज के आसपास है, या हमारा जितना भी यहाँ का सिपुल एरिया है उस सिपुल एरिया में हमने लगभग 6000 एकड़ और जमीन खोजी है। उस जमीन पर देश विदेश के बड़े बड़े उद्योग समूह के लोग आएंगे तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में वहाँ पर तमाम प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, राज्य को भी तमाम प्रकार से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
भाइयों बहनों, हम लोग विकल्प रही संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रकार से देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान उस कश्मीर में जाकर दिया। हम लोग नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो उस कश्मीर के अंदर से तब से मांग उठती रही कि देश के अंदर एक संविधान होना चाहिए, देश के अंदर एक निशान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए। लेकिन लंबा कालखंड देश की आज़ादी का बीत गया और दो प्रधान देश के अंदर चलते थे। कश्मीर में अलग प्रधान चलता था और भारत के अंदर दूसरा प्रधान होता था, यानी कि वहाँ की अलग व्यवस्था होती थी, यहाँ की अलग व्यवस्था होती है। जैसे हमारे यहाँ तिरंगा होता है, वहाँ पर तिरंगा नहीं होता था, इसी प्रकार से वहाँ का अलग संविधान होता था, अलग प्रधान होता था। वहाँ का प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री वहाँ के लोग नहीं मानते थे। इस व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम देश के अंदर से धारा 370 समाप्त करने की लगातार मांग उठती रही। इस व्यवस्था को समाप्त करने का काम भी भारत माँ के लाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, भाइयों बहनों। और आज देश के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई, कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया। कश्मीर अब भारत का पूरी तरह से अभिन्न अंग हो गया, जो देश की आजादी के बाद लंबे समय तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मैं जानता हूं हमारे बंगाली समाज के लोग राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं। जहां काली मैया के उपासक हैं, वहीं राम के उपासक भी हैं। भाइयों बहनों, लंबे समय से ये मांग देश के अंदर उठती रही थी। एक लंबा समय हो गया था, हम सब लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और देश की आजादी का इतना कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, आज अयोध्या के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आज हमारे जितने भी देवी स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी स्थानों का उत्थान हो रहा है, उन सभी स्थानों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उन सभी के विकास का कार्य हो रहा है। आज तमाम प्रकार की चीजें, भाई शांतनु ठाकुर जी यहाँ से CAA के बारे में बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, उन सभी को भारत के अंदर नागरिकता देने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।